हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता ठाकुर आज आप लोग को मूंग दाल की बड़ी बताने जा रही हूँ कैसे बनती है। आइए देखिए, ये मैं आलू ली हूँ, आलू को छीलकर और काट ली हूँ। और ये मूंग दाल की बड़ी है, इसको इसका वीडियो मैं आप लोग में शेयर की थी। मूंग दाल घर में ही मैं बड़ी बनाई थी, तो मैं आप लोग में वीडियो शेयर की हूँ, आप लोग देखना कि मैं कैसा बड़ी बनाई थी। और ये नमक है, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा। मैं इतने चीज़ों से मूंग दाल की सब्जी बनाऊंगी, अब देखना आप लोग। ये मेरा कढ़ाई गरम हो रहा है, अब मैं इसमें बस एक चम्मच तेल डालूंगी, ज़्यादा नहीं। तेल मेरा गर्म हो रहा है, अब मैं इसमें बड़ी डाल दे रही हूँ। बड़ी को मैं थोड़ा इसमें भून लूंगी, ज्यादा तेल नहीं डालना है, बस एक चम्मच में हल्का सा इसको भूनना है, और ज्यादा भूनना भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसको जलाना नहीं है, बस एक मिनट आपको बड़ी को भून लेना है। देख रहे होंगे आप लोग हल्का लाल होने लगा, बस हल्का ही चलाते रहना है, नहीं तो ये बड़ी जलने लगेगा। अभी बड़ी मेरा भून गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए ये बड़ी मैं निकाल ली, मेरा कढ़ाई गर्म ही है। अब मैं इसमें फिर से सब्जी के लिए तेल को डालती हूँ, इसमें इतना मैं ऑयल डाल दी। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, ये जीरा थोड़ा सा लाल हो जाएगा। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, नमक डाल दे रही हूँ। हल्दी चला देती हूँ, मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ और लाल मिर्च पाउडर, सारा मसाला मैं डाल दी हूँ। और आलू को मैं 2-3 मिनट तक इसको भूनूंगी, आप देख रहे होंगे सारा मसाला के साथ मैं आलू को भून रही हूँ। अब बड़ी को मैं पहले ही तेल में थोड़ा सा भून के निकाल लेती हूँ। ये बड़ी मैं घर ही में बनाई थी मूंग दाल की, ये वीडियो आप लोग में मैं शेयर की हूँ, आप लोग देखना। ये आलू देखो, थोड़ा सा मैं भूनूंगी मसाला के साथ, ताकि मसाला भी भून जाएगा और आलू भी भून जाएगा। अब मेरा ये आलू देखिए, मसाला भी थोड़ा सा भून गया है और आलू भी। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, पानी डाल के आलू को मिला देती हूँ। और गर्म मसाला मैं बड़ी में ही बनाई थी, तो इसी में डाल दी थी, इसलिए ऊपर से मैं गर्म मसाला नहीं डालूंगी। मैं आलू बड़ी की सब्जी बना रही हूँ, आप चाहे तो अकेले बड़ी भी बना सकते हो। अकेले बड़ी को बनाने में वही भून लेना है, और भून के अकेले, लेकिन ये आलू के साथ अच्छा लगता है। अब ये मैं पानी डाली हूँ, अब इसको थोड़ा पानी को खोलने देती हूँ।
अब ये पानी देखिए खोल रहा है एक ग्रेवी, अब खोलते हुए ग्रेवी में मैं ये बड़ी तेल में भुनी थी इसको मैं डाल दी हूँ, और इसमें मैं इसको मैं चला देती हूँ, और इसको पकने के लिए आलू को छोड़ देती हूँ और बड़ी को इसको ढक देना है, और इसको 5 मिनट तक छोड़ देंगे। तो आलू जब तक पक जाएगा इसको बीच में चला के देख लेना है कि आलू पक गया है, तो फिर गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए मूंग वाली बड़ी वाली सब्जी, आलू भी पक गया है। आलू को मैं ऐसे काट के देख ले रही हूँ, देखिए ये आलू भी पक गया अच्छी तरह से, और बड़ी को भी देख लेती हूँ यहाँ से दाब कर, देखिए बड़ी भी टूट रहा है अच्छी तरह से, ये पक गया है। तो ये रेडी हो गया आलू और मूंग दाल की बड़ी। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं ग्रेवी रखी हूँ ज़्यादा नहीं, ये खाने बहुत ही टेस्टी लगता है, इसमें ज़्यादा मसाला वसाला नहीं पड़ता है, फिर भी बहुत ही अच्छा, और ये बहुत ये है। ये मूंग दाल की बड़ी वाली सब्जी आलू बड़ी की सब्जी बन के रेडी हो गया है। ये मैं मूंग दाल की बड़ी की सब्जी रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझे बोला था बनाने के लिए, तो मैं बनाई हूँ कि बताना कैसे बनता है, तो मैं बनाई हूँ। तो अगर ये मेरा मूंग दाल की बड़ी वाली सब्जी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।